नमस्ते, जय श्री राम। देखो, दिवाली बहुत जल्द आने वाली है और दिवाली के आने से पहले ही कुछ रिटायर्ड लोगों के एक्सक्यूज आना शुरू हो जाते हैं कि दिवाली पर पटाखे क्यों ना जलाएं। देखो, लास्ट ईयर मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, बट आओ इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। मेरा नाम है दीपांशु और द इंडिक लीग में आपका बहुत स्वागत है। दिवाली को कैंसिल करने के बाद हैलोवीन मनाने वाला जेंजी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड देयर कैंपेन अगेंस्ट दिवाली क्रैकर्स। तो बच्चों, चिंता मत करो, डैडी आ चुके हैं क्वेश्चंस के आंसर देने। देखो, मैं अपनी पुरानी वीडियो की कुछ बातें रिपीट करना चाहूंगा जो कि स्पेसिफिकली इस वीडियो में भी काम कर सकती हैं। देखो, दिवाली पर पटाखा जलाना इज मोर ऑफ अ ट्रेडिशन एंड आई हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट इट अ लॉट ऑफ टाइम्स इन द पास्ट। देखो, सच तो यह है कि बच्चे दिवाली को पटाखों से एसोसिएट करते हैं। उनके लिए दिवाली में पटाखों से खेलना और होली में पानी से खेलना, यही असली रियलिटी और एक्साइटमेंट है। तुम खुद सोचो, तुम अपने बचपन में दिवाली पे दिए जलाने के लिए एक्साइटेड थे क्या? तुम्हारा ये प्रोपेगेंडा इन बच्चों के अंदर दिवाली के अगेंस्ट हेट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उनके लिए असली एसोसिएशन दिवाली का इन पटाखों से है। और जहां तुम पटाखों से उनके लिए एक हेट जनरेट करा दोगे, दे विल इवेंचुअली स्टार्ट हेटिंग दिस ट्रेडिशन एज वेल। उन्हें नहीं समझ में आता एनवायरनमेंट का चक्कर, तुम उन्हें एक्चुअल में दिवाली से हेट करना सिखा रहे हो। थोड़ी तो शर्म करो यार, थोड़ी तो शर्म करो। क्यों तुम लोग दिवाली और होली पर एक्टिव हो जाते हो? इलेक्शन हो या किसी की शादी, आईपीएल हो या फिर कोई फुटबॉल मैच, किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन हो, यू कैन बज द क्रैकर्स। बट अगर हिंदू फेस्टिवल है तो ना ना ना, एनवायरनमेंट पे दिक्कत आ जाएगी। मैं 100 बार बता चुका हूँ कि दिल्ली एनसीआर और दिल्ली में होने वाला प्रदूषण का मेन कारण पटाखे नहीं है, उनका कारण कुछ और है। बट वहां पर तुम लोगों को बात नहीं कर रही, उन कारणों पर तुम्हें बात नहीं कर रही, बिकॉज दैट डजंट सूट योर एजेंडा। क्यों तुम लोग उन पॉइंट्स पे अवेयरनेस नहीं फैलाते हो जो कि एक्चुअल में दिल्ली को गैस चैम्बर बना देते हैं? बाकी तुम्हें पेपर्स हैं जिसमें ये रिसर्च बेस्ड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पढ़ लेना, 334 पेज की एक रिसर्च है। एक सवाल जो तुम्हारे अंदर होगा कि दिवाली पटाखे फोड़ने क्यों, उसका आंसर देते हैं। क्योंकि ट्रेडिशन है, तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि दिवाली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि श्रीराम पुनः अयोध्या वापस आए थे। बट तुम्हें यह नहीं पता कि पंजाब में दिवाली के साथ साथ बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। तुम्हें यह नहीं पता कि दिवाली के दिन समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी अवतरित हुई थी। तुम्हें यह नहीं पता कि दिवाली के दिन ही 12 साल का वनवास काटकर पांडव वापस हस्तिनापुर पहुंचे थे। तुम्हें यह नहीं पता महावीर जैन जी ने इसी दिन निर्वाण को प्राप्त किया था। तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि लोकल ट्रेडिशंस में इसे एज अ न्यू ईयर, नव वर्ष की तरह देखा जाता है। बट आई गेस नाउ यू नो इट। बाकी अब ट्रेडिशंस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग आज पटाखों के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, कल वही राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे। कल वही लोग राम का प्रूफ मांग रहे थे जो आज पटाखों का प्रूफ मांग रहे हैं। देखो, पितृपक्ष के दौरान वी कॉल आउट आवर एंसेस्टर्स ऑन दिस प्लेन ऑफ रियलिटी टू ब्लेस अस ड्यूरिंग द टाइम जब सारे देवता सोए हुए होते हैं। हम अपने एंसेस्टर्स की हेल्प लेते हैं फॉर आवर बेटरमेंट एंड इन रिटर्न वी सर्व देम ऑफरिंग्स एंड प्रेयर्स। स्वयं नारायण योग निद्रा में होते हैं दिवाली के 11वें दिन तक। तो पितृपक्ष में आए हुए एंसेस्टर्स को थैंक यू करने और एंसेस्ट्रल प्लेन का रास्ता दिखाने के लिए ऑन द डे ऑफ अमावस्या मीन्स दिवाली वी लाइट अप द स्काई एंड मेक लाउड नॉइसेस, ताकि हम उन्हें रास्ता दिखा सके। देखो, ये तुम्हें बात यहाँ हजम नहीं हुई होगी क्योंकि तुम्हारी रैशनैलिटी और लॉजिक्स ने यहाँ जवाब दे दिया होगा, बट सेम ट्रेडिशन इंडिया में ही नहीं बाकी कई सारी कंट्रीज में फॉलो होता है। बस उसका नाम दिवाली नहीं होता और वो हिंदू त्यौहार नहीं माना जाता। जापान में बून फेस्टिवल, चाइना में हान ट्रेडिशन, कंबोडिया में पंचुन बिन, और सेम ट्रेडिशन फॉलो होता है कई सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, साउथ अमेरिकी कंट्रीज और यूरोप में भी। लिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन। क्योंकि तुम्हारे लॉजिक्स और रैशनैलिटी जवाब दे दिया, तो अब तुम पूछ रहे हो कि दिवाली में पटाखे फोड़ने से क्या होगा? किसी का घर चलेगा, किसी गरीब का घर चलेगा, किसी गरीब का जिसका ये एंसेस्ट्रल काम रहा है कई हजार वर्षों से कि वह दिवाली के दौरान पटाखे बना रहे हैं, उनका सारा का सारा खर्चा इन्हीं 2-3 महीनों से निकलता है। जिनके लिए साल की कमाई इन चंद महीनों की होती है, उनका घर चलेगा। उन औरतों और बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे साल मेहनत करके पटाखे बनाए हैं, उनकी खुशियां ही इसमें हैं। मेरे सामने एनवायरनमेंट का रंडी रोना तो करना मत। और जिनके घर में खुद 4-5 AC हैं, वो तो इस बारे में बात करें ना तो अच्छा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से स्क्रिप्चर में लिखा है भाई कि दिवाली में पटाखे फोड़ो? हाँ, कौन से में लिखा है, कौन से स्क्रिप्चर में कहाँ कहाँ है? सब चीज़ स्क्रिप्चर में से तो करनी है। हम अपनी सारी जिंदगी, हम सारे अपने ट्रेडिशन स्क्रिप्चर के हिसाब से तो फॉलो कर रहे हैं, हम अपने सारे कार्य स्क्रिप्चर्स के हिसाब से कर रहे हैं। देखो, इस सवाल में ये सबसे बड़ी आयरनी है कि जो इस सवाल को पूछता है उसने जिंदगी में कभी स्क्रिप्चर्स पढ़े ही नहीं। देर आर मोर देन 300 वर्जन ऑफ रामायण, तो किस रामायण में से उठाकर तुम्हें आंसर दूं? अब तुम सोच रहे हो कि रामायण के 300 वर्जन कब से हो गए। कुडोज, नाउ यू नो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ में तुम्हें बता दूं कि कल्चर एंड ट्रेडिशंस आर डायरेक्ट आउटकम ऑफ अ ज्योग्राफी। भारत में हर 10 किलोमीटर के बाद ट्रेडिशन और कल्चर चेंज हो जाते हैं, जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। बट तुम लोग ठहरे बड़े शहर के लोग जिन्हें आधी बातें पता ही नहीं है। तुम्हारे लिए धर्म का मतलब सिर्फ पूजा है, और अगर तुम थोड़े ज़्यादा जेंजी हो तो तुम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस हो। तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट धर्म एंड ट्रेडिशंस आर कम्प्लीटली वाइट वॉश्ड एंड वेस्टर्नाइज्ड इन सम वे।
तो तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करता भी नहीं मैं। हर चीज में गूगल खोलने वाले और अपनी पर्सनल बिलीव्स को वैलिडेशन देने वाले लोगों से एक्सपेक्ट करना ही क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी रीडिंग और नॉलेज जीरो है। तुम्हारे लिए गूगल से लिए हुए स्क्रीनशॉट्स तुम्हारी अपनी पर्सनल बिलीव्स को प्रूफ है सिर्फ। बाकी जब तुम्हें पता है एंशियंट टाइम्स में भारत में जितने भी ट्रेडिशंस थे वो ओरली ट्रांसफर हुए थे मुख के द्वारा, तो व्हाई यू एंड इवन द जजेस ऑफ द कोर्ट्स कांट अंडरस्टैंड कि सभी ट्रेडिशंस के प्रूफ नहीं मांगे जाते। या तो यहाँ पर तुम्हारी बुद्धि में कमी है या फिर तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है, क्योंकि जो दोगलापन तुम दिखा रहे हो वो लिटरली विजिबल है। क्योंकि जब एक साइड में तुम्हें प्रूफ दे रहा हूँ कि दिल्ली एनसीआर और दिल्ली में होने वाले पोल्यूशन का मेन कारण क्रैकर्स हैं ही नहीं, तुम्हें वो तो मानना नहीं है। तुम्हारे पास यहाँ लॉजिक ये है कि ना ही कोई रिसर्च ना ही कोई स्टडी की जरूरत है इस बात की अंडरस्टैंडिंग में कि क्रैकर्स पोल्यूशन करते हैं। और ऑन द अदर हैंड यू वांटेड द स्क्रिप्चर्स टू से वेदर द फायर क्रैकर्स एग्जिस्ट इन द टाइम ऑफ रामा और नॉट। फनी राइट, मेरे एंसेस्टर्स की लिविंग मेमोरीज में उन्होंने पटाखे जलाए तो वो मेरे लिए ट्रेडिशन है। हमारे एंसेस्टर्स के स्टार्ट करे हुए ट्रेडिशंस को हम ऐसे कैसे छोड़ दें? तुम छोड़ सकते हो, हम नहीं छोड़ सकते। और इवन अगर ये 1000 साल पुराने तो क्या, दे आर रिलीजन्स जो कि सिर्फ 500-400 साल पुराने वो भी तो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनके ट्रेडिशन भी तो आज फॉलो हो रहे हैं ना। देखो सत्य ये है, जिन्होंने अपना ऑलरेडी माइंड मेकअप कर रखा है उनके लिए ये वीडियो कभी मीनिंगफुल होगी ही नहीं, क्योंकि इनकी सूक्ष्म बुद्धि ने उनकी लिमिटेड नॉलेज और रियलिटी को यूनिवर्सल ट्रूथ बना दिया उनके लिए। तुम्हारे लिए बिलीफ और ट्रेडिशन को चैलेंज करना एक आम सी बात हो गई है। जहां तक तुम्हारे रैशनैलिटी और लॉजिक्स चलते हैं सिर्फ सत्य वहीं तक है तुम्हारे लिए, उसके बाहर सब झूठ है। देखो इट इज ईजियर टू बिकम अ कीबोर्ड वॉरियर और कैंसल अदर्स पीपल ओपिनियन, क्योंकि वो तुम्हारा एजेंडा सूट नहीं कर रहे हैं। बाकी प्रभु से यही प्रार्थना रहेगी कि तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम्हें थोड़ा ज्ञान दे। जय सियाराम।